नरसेवा नारायण सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्री देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल अस्पताल में अमीनस सेल सेपरेटर कंपनी की प्लेटलेट डेंगू मशीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रमनदीप ने बताया कि इस मशीन द्वारा आधुनिक तरीके से रोगियों के रक्त से प्लेटलेट की जाँच कर रक्त चढ़ाया जाएगा। इस मशीन का शुभारंभ एवरग्रीन पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रोनिटा चोपड़ा अस्पताल के डॉक्टर रमनदीप, डॉक्टर चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सुनीत अग्रवाल, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस अवसर पर परमजीत, सुनील कालिया, दीपक खोसला, दीपिका, सरबजीत सहित अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे। रमनदीप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये जो मशीन है, इसमें हम प्लेटलेट्स अलग करते हैं खून से, खून में से प्लेटलेट निकाल के वापस खून जो है डोनर को दे दिया जाता है। और ये प्लेटलेट्स खास तौर पे उन मरीजों को दी जाती है जिनमें डेंगू के कारण प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, और उन मरीजों में ये इस सीजन में इन 3-4 महीने ये इस तरह के मरीज काफी पाए जाते हैं जिसके कारण प्लेटलेट कम होने से बहुत दिक्कतें आती हैं। पर अगर ये प्लेटलेट चढ़ा दिए जाएं तो जो है मरीज काफी हद तक ठीक हो जाता है। डिजीज है उसमें अगर प्लेटलेट काफी कम हो जाए तो जगह जगह से खून बहने लगता है, नाक से, मुंह से, कान से, यहाँ तक कि दिमाग की नसें भी भटके उनमें भी खून बहने लगता है, और उससे इंसान की जान भी जा सकती है।